हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ सुपर 30 का पार्ट 2। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, आप लोगों को दिल से थैंक यू। चलिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक दो शब्द बोल देते हैं उन बच्चों के लिए जो इतने मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप किसी के प्रति निगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है। और मुझे 100% पता चल गया है कि हमारे वीडियो को कौन डिसलाइक करते हैं, ठीक है। उस डिसलाइक से हमें ये मत सोचिएगा कि हम डिमोटिवेट होते हैं, और उस डिसलाइक करने से आप लोगों का कमेंट पढ़ने से और मैं मोटिवेट होता हूँ। खास करके जो पॉजिटिव करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो निगेटिविटी कमेंट करते हैं उनको दिल से थैंक यू। खास करके मैं आप लोगों के सामने नाम लेना चाहता हूँ, प्रियेश रंजन करके एक लड़के हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि दुनिया का सब चीज़ आता है, यानी कि वो अगर जानते हैं, सभी चीज़ जानते हैं, तो आपको मैंने अप्रोच नहीं करने का कि आप मेरे चैनल पर आइए और मेरे चैनल पर आके पढ़िए। डैट्स नॉट गुड। अगर मोटिवेट होके किसी तरह आपको आगे ले जा रहा है किसी बच्चे को, ठीक है, मैं गलत पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर बच्चे सक्सेस कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ा चीज़ मायने होता है। तो प्रियेश रंजन, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि अगर आपके माँ बाप ने इसी तरह के संस्कार दिए हैं तो कृपया करके आप जो है कि अपने संस्कार में सुधार लाएँ। मैं उस माँ बाप को दोषी देना नहीं चाहूँगा, ठीक है, चूँकि आज हमें पढ़ाने का इच्छा नहीं था। चूँकि आप लोग मतलब कि इस तरीके से कमेंट नेगेटिविटी देख के, अगर आपके हाथ में लाइक डिसलाइक जो करना आप करते रहिए, आपकी मर्जी, मेरा पढ़ाना काम है क्या? आपके डिसलाइक करने से क्या हो जाएगा? मेरा वीडियो आना बंद हो जाएगा क्या? आपको डिसलाइक करने से कुछ नहीं होगा। अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसमें से 80 से 90 बच्चे क्या करते हैं, 99 बच्चे जो है कि यहाँ से लाइक करके जाते हैं वीडियो के, और उसमें से एक दो बच्चे अगर डिसलाइक भी कर दिए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। जो बच्चे भी डिसलाइक करते हैं उनको अपने आप में अफसोस कर रहे होंगे कि मैंने बेकार इस वीडियो को डिसलाइक किया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर भी उसी एनर्जी के साथ, और उस बच्चे को फिर से दिखाना चाहते हैं कि देखो कितना इम्प्रूव करके लाए हैं वीडियो को, ठीक है। और तुम जो है कि डिसलाइक करके भी जाते हो फिर भी तुम इसी वीडियो को देख के पास करोगे, इस बात को लिख लो, और तुम इसी वीडियो को चुपके से देखते होगे। क्या लगता है तुमको कि तुम मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो को देखते हो? हमको पता नहीं, टोटल एक एक पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ लिखाता है कि कौन बच्चे कितने बज के क्या मिनट में खोले हैं वीडियो को, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरे हाथ में मोबाइल है, कमेंट है तो कुछ भी कर दिए। अगर एक यहाँ से रिपोर्ट कर दिए ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा अच्छे से। हड्डी चलाने का एक मकसद है कि चूंकि इंग्लिश का कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में लेटर होते हैं 26, लेकिन ये 26 लेटर जो है कि पूरे इतिहास, क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड को रच के रख दिए हैं, कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपका पावर रहेगा उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, चूँकि इसी के अंतर्गत में आपको करेक्ट स्पेल्ड हो गए, सिमली हो गई, यानी बहुत सारे चीज़ आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगे, वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बारगेन। क्या लिखा हुआ है? बारगेन, BARGAIN, बारगेन। सेकेंड में लिखा हुआ है निगोशिएट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ NEGOTIATE, निगोशिएट। निगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एस्टूबॉर्न, STUBBORN, एस्टूबॉर्न। इसका साइनोनिम्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है, ओवेस्टिनेट, OBSTINATE, ओवेस्टिनेट। ओवेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको याद कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक बार पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद याद करने का तरीका बताऊँगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है सफल, SUPPLE, सफल। सफल का मतलब होता है लचीला, यानी कि फ्लेक्सिबल। अब देखिए, अगर साइनोनिम से यहाँ से पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिया हो रहेगा, अगर वहाँ फ्लेक्सिबल मिला तो फ्लेक्सिबल को भी आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ फोर में एफ्लुएंट। क्या लिखा हुआ है? एफ्लुएंट, AFFLUENT,
एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीसियस, क्या लिखा हुआ, प्रीसियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रीसियस का मतलब होता है मूल्यवान, या आप कह सकते हैं कीमती, ठीक है, कीमती। नेक्स्ट सिक्स नंबर में देखिए लिखा हुआ बेनिवोलेंट, बी ई एन ई वी ओ एल ई एन टी, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है उदार चरित्र का, उदार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेवन में लिखा हुआ ऑथेंटिक, ए यू टी एच ई एन टी आई सी, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, ठीक है, प्रमाणिक का मतलब है सत्यापित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एट में फिचिशियस, क्या लिखा हुआ, फिचिशियस, एफ आई सी टी आई टी आई ओ यू एस, फिचिशियस, फिचिशियस का मतलब होता है नकली, क्या होता है, फिचिशियस का मतलब होता है नकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है प्रॉक्सीमिटी, क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सीमिटी, प्रॉक्सीमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, प्रॉक्सीमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, पी आर ओ एक्स आई एम आई टी वाई, प्रॉक्सीमिटी। जैसे देखिए अगर याद नहीं रहता तो कैसे इसको याद रखिएगा, तो आप लोग याद करते होंगे अप्रॉक्सीमिटी, अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या होता है, उसके करीब जाना, बिल्कुल नज़दीक जाना, तो उसी से बना है प्रॉक्सीमिटी, यानी कि नज़दीकी। नेक्स्ट देखिए टेन में लिखा हुआ है टर्मिनेशन, टी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। एक और वर्ड हम पढ़ाए थे आपको टर्मिनेट, टी ई आर एम आई एन ए टी ई, टर्मिनेट इंड यानी खत्म करना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 11 में हेजिटेट, एच ई एस आई टी ए टी ई, हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 12 में रिजॉल्व, आर ई एस ओ एल वी ई, रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। अब देखो इसको बहुत सारे पढ़ते होंगे रिसॉल्व, आपकी पढ़ना है, आपको याद रखना, एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा, वहाँ पे स्पेलिंग दिया हो रहेगा, वहाँ पे आपको स्पेलिंग को टिक करना है, ना कि प्रोनाउंसिएशन को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 13 में कंसिस, देखिए इसको लिखा हुआ कंसी क्विज, यहाँ से लिखा हुआ है कंसिसनेस, क्या लिखा हुआ है, कंसिसनेस, 13 में लिखा हुआ है कंसिसनेस, ठीक है। कंसिसनेस का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस एन ई डबल एस, कंसिसनेस, कंसिसनेस का मतलब होता है संवेदना या होता है चेतना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 14 में लिखा हुआ है हिंडर, एच आई एन डी ई आर, हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 15 में लिखा हुआ होस्टिलिटी, क्या लिखा हुआ है, होस्टिलिटी, उसका लिखा हुआ इनमिटी, मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। तो होस्टिलिटी का स्पेलिंग देखिए एच ओ एस टी आई एल आई टी वाई, होस्टिलिटी, और देखिए इनमिटी ई एन एम आई टी वाई, इनमिटी, इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। वीडियो को छोड़ के बच जाइएगा क्योंकि अंतिम में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए 16 में लिखा हुआ है एसेंट, ए डबल एस ई एन टी, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति होना। नेक्स्ट देखिए 17 में लिखा हुआ डिसेंट, डी आई डबल एस ई एन टी, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना। तो आप देख रहे होंगे अगर यहाँ से एसेंट का आपको एंटोनियम्स पूछा जाए, तो एंटोनियम्स अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या टिक कीजिएगा, डिसेंट, एसेंट, डिसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति बनाना, डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 में लिखा हुआ है ऑब्लिक, क्या लिखा हुआ, ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली भी यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्लिक क्या होता है, ओ बी एल आई क्यू यू ई, ऑब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 में लिखा हुआ परसेप्शन, क्या लिखा हुआ, परसेप्शन, पी ई आर सी ई पी टी आई ओ एन, परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 में लिखा हुआ प्रोस्पेक्टिव, क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का स्पेलिंग क्या होता है, पी आर ओ एस पी ई सी टी आई वी ई, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है जिसके होने की संभावना हो, यानी कि अस्तित्व होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 में लिखा हुआ है परसेप्टिव, क्या लिखा हुआ है, परसेप्टिव, पी ई आर सी ई पी टी आई वी ई, परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब होता है आसानी से ग्रहण करने वाला, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 22 में लिखा हुआ मार्वल, क्या लिखा हुआ मार्वल। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य करना, MARVEL मार्वल मतलब आश्चर्य करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 में लिखा हुआ रिट्रीव। अब इसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं रिट्राइव, क्या मैं उसको रोकने जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, चूंकि उनको किसी भी तरह याद करना है और याद करके एग्जाम में उसको टिक करना है, ठीक है। तो रिट्राइव, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिट्रीव, RETRIEVE रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना। अब देखिए उनके मन में चल रहा होगा कि सर जो है कि प्रोनाउंसिएशन गलत बता दिए, तो वो कमेंट किए, ठीक है। एक दो मिस्टेक किसी से भी हो जाता है, दुनिया में कोई भी मशीन हो जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वो भी मोबाइल 100% इफिशियंसी नहीं देती है, ठीक है। जो कि आदमी द्वारा बनाया गया, आदमी जो है वो भी 100% इफिशियंसी नहीं देगी, ठीक है। अगर दुनिया में अगर एक मशीन जो है कि अगर वो 100% इफिशियंसी देने लगती तो दोबारा अगर एक बार कोई भी चीज़ बनता तो दोबारा कभी बनने का नौबत ही नहीं आता, ठीक है। इसलिए लगातार कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं। आप एक ये भी चीज़ सुने होंगे कि संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतना ही शोर मचाएगा, ठीक है। आप लोग जितना जितने जो है कि हमको क्या कहते हैं डिमोटिवेट करते जाइएगा, बिल्कुल हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसलिए कि बहुत अच्छा करते हैं कि आपके पास लाइक डिसलाइक है, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए और हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी कमेंट लिखे बिल्कुल कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है रिग्रेट, क्या लिखा हुआ है रिग्रेट। रिग्रेट यहाँ से लिखा हुआ REGRET रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना, क्या होता है अफसोस करना। कहीं आपके साथ ये भी ना हो कि आप देखते देखते कोई भी कुछ भी कमेंट कर दिए तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़े, ये चीज़ सोच के कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है हेरास, 25 में लिखा हुआ है हेरास, ठीक है। अब देखो हेरास का मतलब होता है तंग करना, यहाँ से हम लोग ये पढ़ते थे हेरासमेंट, उससे याद रखिएगा हेरास, HARASS हेरास मतलब होता है तंग करना, ठीक है। उसी तरीके से 26 देखते हैं एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है नापसंदगी, यानी कि किसी को पसंद नहीं करना। नेक्स्ट लिखा हुआ 27 में लिखा हुआ डर्थ, डर्थ मतलब होता है कमी। इसका मैंने बहुत चीज़ पढ़ा है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब भी कमी होता है, यानी कि साइनोनिम्स जो पढ़ते हैं डर्थ स्कार्सिटी, ठीक है, इसका मतलब कमी होता है। तो 27 यानी कि लास्ट से पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोग पेड बैच में नहीं जुड़े हैं, जिनको जुड़ने की इच्छा है जल्द से वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चूँकि मैं जो है कि कल मॉर्निंग में 8 बजे से फ्रिक्शन, कहते फ्रिक्शन यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए तो मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में है, जल्द से उस नंबर को लीजिए और तुरंत जो है कि इंक्वायरी कीजिए और तुरंत जो है कि वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। शायद इतना पैसा में आपको कोई भी कुछ भी नहीं देगा, हमें उम्मीद लगता है। और हाँ एक बात ये भी सुनिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे पास हैं जिन्होंने कहीं दूसरे जगह से कोर्स ख़रीदा था और वो बहुत ज़्यादा पैसा में ख़रीदे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी वो जो है कि क्या कहते हैं कोर्स लेने के बाद एक होता पछतावा करना, वो कर रहे थे, घर में डांट भी सुनते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को मैं नहीं करता हूँ, चूँकि मेरा एक ही चीज़ है आपका विश्वास हमारा साथ, ठीक है। यानी आप अगर विश्वास बनाए रखिएगा तो हमारा विश्वास आपके साथ, मतलब यही हुआ कि आप जो है कि लगातार हमारे पे विश्वास बनाए रखिए तो हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ठीक है। कोई भी, हमें लगता है कि आप लोग एक बात ये बताइए कि कोई भी YouTube पर जो सर पढ़ाते हैं आपको, आपने जहीं से मानी कोई भी कोर्स आप परचेज किए होंगे, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का, क्या आप ये बताइएगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस ने अभी तक जो है कि आपके साथ किसी भी प्रॉब्लम का कि कोई भी मानिए प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हो या कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम रखा हुआ है बुक में कॉपी उसको लिख किए टिक किए, क्या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक डायरेक्टली टीचर से कॉन्टैक्ट करके बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवाया। अगर वैसे हैं तो हमें नंबर दीजिए कि सर हमने है जो ऐसा करके कॉन्टैक्ट बनवाया है और कॉन्टैक्ट अपना सॉल्यूशन करवाया है और डायरेक्ट टीचर से बात हुई है मेरी, अगर हुई होगी तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 में लिखा हुआ है अपीलिंग, क्या लिखा हुआ अपील करना, अपील मतलब होता है आकर्षक, अपीलिंग, ए डबल पी
ई ए एल आई एन जी, अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब होता आकर्षक, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ टेडियस, 26-29 में लिखा हुआ है टेडियस, टी ई डी आई ओ यू एस, टेडियस, टेडियस का मतलब होता उबाऊ। अगर इसका आपसे साइनोनिम्स पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं टेडियस टायरसम, टी आई आर ई एस ओ एम ई, टायरसम मतलब होता है उबाऊ, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंसिडेंटल, क्या लिखा हुआ है इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब होता है प्रसांग, क्या कहते हैं इसको, प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक, क्या होता है इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब होता है प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक ये चीज़ होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये चीज़ तो आपको बता दिए, इसमें से अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उस वर्ड को आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से बारगेनिंग को टिक कर लीजिए, एस्टूबॉर्न ऑबस्टिनेट को टिक कर लीजिए, ठीक है, ये एफ्लुएंट को कर लीजिए, प्रीसियस को कर लीजिए, बेनिवोलेंट को कर लीजिए, ठीक है, एट नंबर फिचिशियस को कर लीजिए, उसके बाद टर्मिनेशन 10 नंबर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 13 नंबर जो है 13 नंबर यहाँ से कंसिसनेस इसको कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ से होस्टिलिटी, इनमिटी, इनमिटी तो बहुत बार आपको पूछ भी चुका है, ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एसेंट और रिसेंट, इस दोनों वर्ड को कर लीजिए क्योंकि ये दोनों पूछे जा चुके हैं। ऑब्लिक नहीं, यहाँ से ये हो गया, परसेप्टिव नहीं हो गया, यहाँ से देखिए ये सभी, इस तीनों को कहिएगा तो ये करेक्ट स्पेल्ट में दे सकता है, मन है तो इसको टिक कर लीजिए, नहीं तो कोई देखिए रिट्रीव को टिक कर लीजिए, रिट्रीव को स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद जो है कि यहाँ से ये पूछा गया है, क्या कहते हैं यहाँ से, ये अपीलिंग, यहाँ से 28 नंबर को यहाँ से स्टार लगा लीजिए। चूँकि देखिए मैं आपको एक ही बात कहा हूँ कि एक ही चीज़ मैं लेके चलता हूँ कि कम पढ़ाऊँगा और आपको रिजल्ट बेहतर लाने हैं, चूँकि इंग्लिश का सीक्रेट सबको पता नहीं होता है, इसलिए मैं जो है कि सीक्रेट बात आपको कहाँ पे चर्चा करते हैं, अपने सीक्रेट जगह पर सीक्रेट बात की चर्चा करते हैं। तो आपको भी अगर सीक्रेट को जानना है तो आइए सीक्रेट प्लेस पे, आपका वहाँ पर वेलकम है, ठीक है। तो अगर हमारी जैसी सुविधा अगर आपको कहीं मिलती है तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे हमको इतना बेनिफिट, इतना छूट मिला है, तो मैं भी उनके जैसा करने का कोशिश करूँगा, उनसे यानी कि बेहतर करने की कोशिश करूँगा, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूँगा। चलिए बहुत ही बकवास हो गया, तो मिलते हैं हम कल, बिंदास रहिए आप लोग और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, किसी को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए और पीछे खींचने में कभी भी किसी का मदद नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप एक किसी को अगर आज पीछे खींच रहे हैं तो आपको भी पीछे खींचने के लिए एक नहीं हज़ार बंदे खड़े रहेंगे। तो मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।